अच्छा जी, आज आपको इस वीडियो में ये रिवील होने जा रहा है, मतलब आपको पता चल जाएगा जो ये बोया का माइक आप लेते हैं इसमें से ओरिजिनल कौन सा है और कॉपी कौन सा है, इस वीडियो में आपको ये देखने को मिलेगा। तो चल के वीडियो स्टार्ट करते हैं, तो फिर आ जाओ। हम लोग कैमरा कॉर्नर में मौजूद हैं, ये है हाशमी सेंटर और हमारे साथ है खुर्रम भाई। खुर्रम भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, ठीक ठाक हैं? खुर्रम भाई हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं भाई, बड़े अजीज़ हैं हमारे, और यहाँ पे आने की रीज़न ये है कि हम लोग पहले कहीं और से बाय करते थे मोबाइल, और ये मोबाइल और जो भी चीज़ें थी, मोबाइल तो खैर यहाँ पे नहीं मिलता, और ये जो कैमरा है जो है ये माइक्स वगैरह, तो मैंने कहा आज आप लोगों को एक वीडियो दिखाई जाए जो माइक के ऊपर, क्योंकि माइक जो है हमारी वीडियो के अंदर बहुत ही मेन काम जो है वो माइक का है। अगर आवाज़ साफ नहीं होगी तो आपकी वीडियो जो है वो देखने वाले लोग जो हैं वो शौक से नहीं देखते, उसको स्किप कर जाते हैं। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था जिसके ऊपर लोग रोशनी नहीं डाल रहे थे। तो आज की वीडियो है सारे माइक जो लो बजट से लेके और हाई बजट तक जाते हैं, ये सारे माइक आपके इस टेबल में मौजूद हैं आज। तो खुर्रम भाई हमें आज बताएंगे कि ये माइक क्यों लेना चाहिए, कितने बजट का है, ये माइक क्यों लेना चाहिए, ये माइक क्यों लेना चाहिए। इनमें सारे महंगे माइक, रोड माइक भी है, ये DJI का माइक भी है इसके अंदर, ये बोया का माइक भी है इसके अंदर, ये सिनको का माइक भी है जो मैंने भी कुछ अर्से पहले यूज़ किया था इसके अंदर, जैसे अभी ये हॉलीलैंड का माइक भी है जो मैं अभी राइट नाउ जिसकी आवाज़ आप सुन रहे हैं, ये मैंने अमेरिका से मंगवाया है ये अभी ये, लेकिन मैं फिर भी आपको दिखाऊंगा इसके अंदर। तो खुर्रम भाई ज़रा लोगों को बताएं जो लो बजट वाले हैं वो सबसे पहले कौन सा माइक यूज़ करें और कितने का। ठीक है जी, सबसे पहले जो ये वाला माइक आता है K8 के नंबर से आता है। सही है, K8 होता है इसका, मैं खुला हुआ दिखा देता हूँ आपको मैं। सही है, लेकिन ये खुला हुआ था, ये सिंगल पर्सन का चाइना है, चाइना मेड है, लेकिन ये बता दूँ मैं चल गया चांद तक वरना शाम तक, वरना शाम तक है। अच्छा, ये चाइना का कम से कम बेसिक माइक आता है ये वाला है, ये वाला है वायरलेस माइक है। ये कितने का है? ये 1850 रुपये का है। 1850 का हो गया, 1850 का, पहले 2200-2300 का था, 1850, अब 1850 का हो गया भाई। ये देख लें, ये हो गया, मैं आपको लगा के दिखा देता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोग समझ में आ जाए। ये टाइप सी मेरे पास है, ये आपने लिया और ये अटैच कर दिया, और ये आप जाएंगे, सही है। कभी कभी अच्छा ये नहीं चलता तो उसका क्या ऑन करना पड़ता है? इसका एक तो सेटिंग होती है और एक ओपन कैमरा की ऐप होती है। अच्छा, ज़्यादातर ओपन कैमरा में चलती है ये। ओपन कैमरा ऐप डालेंगे तो ये नॉर्मली अगर नहीं चल रहा होगा तो चल जाएगा। बाकी 1800 रुपये का, इसको आपने यहाँ लगा लेना है, वायरलेस है। इसकी रेंज कितनी है? तकरीबन 20 मीटर लिखी हुई होती है, लेकिन आप 12-15 मीटर समझो, आप 10 मीटर समझ लें, ठीक है, 10 मीटर के अंदर रहेंगे, उससे दूर क्या करेंगे जाके। और ये भाई जो है निकल जाए तो हम वीडियो बनाते हैं, कंटिन्यू करते हैं। तो ये हो गया जी 1800 रुपये का, लेकिन इसकी कोई गारंटी वारंटी नहीं होती। आपने यहाँ से बाई किया, वो कोने तक गए, ख़राब हो गया तो ख़त्म। ऐसा नहीं है, ऐसा ख़राब नहीं होता, टेंशन ना ले, मैं मिसाल दे रहा हूँ, लेकिन ख़राब ऐसे नहीं होता, लेकिन बता रहा हूँ ये पायदारी नहीं है। लेकिन 1800 रुपये का है और उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जिनके बजट कम है, तो वो टाइप सी भी है, आईफोन भी है इसके अंदर, और अगर किसी का पुराना पिन वाला फ़ोन है वो नहीं, उस पर नहीं चल सकता, उस पर चेक किया चल जाता है, लेकिन लोग काम मज़ा नहीं करते, मज़ा नहीं करता। कम से कम टाइप सी हो फ़ोन में, आप जब भी बनाएं जैसे हम लोग करते हैं, तो उसके लिए आपको शुरू में चीज़ बता देता हूँ, ठीक है। आपके लिए ये वाला स्टैंड बहुत कारामद है जो लोग मोबाइल पे कर रहे हैं, ठीक है, काम। खुर्रम भाई की जो सारी चीज़ें हैं ना हम आपको दिखा देंगे आज, जो मैं यूज़ कर रहा हूँ ये इसी स्टैंड पे भी जो हमारा लगा हुआ है ना सेटअप, ये लगा हुआ है और दिखाएं, ये लगा के दिखाएं। हाँ ये देखें, ये आपने लगा लिया, ये लगा लिया, और आप इसमें घुमाएं, और ये देखें आपका ये सेटअप तैयार हो गया है। अच्छा, इसमें ना आपका लाइट भी लग जाती है। सही हो गया, मैं भी टाइप करके देखें, ये रही लाइट, ये ऊपर लाइट भी लग जाएगी, जो लाइट आती है इस पर लगा के दिखा देता हूँ आपको मैं। नहीं जी, ये लाइट भी लगा के दिखा दें। अच्छा, ये बहुत ज़बरदस्त है, ये कितने का स्टैंड है ये भी लोगों को बता दीजिएगा। 1500 रुपये का है, 1500 रुपये का है स्टैंड, लेकिन ये स्टैंड की क्वालिटी बहुत अच्छी है। अब मैं ये माइक निकाल के साइड पर रख देता हूँ ताकि मिक्स ना हो जाए। अच्छा, ये लग गया आपका इसको, ये देखें ये हो गया, इसमें आप लाइट भी लग गई, ऑन करनी है, ये देखें ऑन भी हो गई, तेज़ भी हो सकती है, बेहतरीन है ये। ये कितने की लाइट, कितने की है? 2500 रुपये की है लाइट, 2500 रुपये की है, ये 1500 रुपये का है, ठीक है, लेकिन ये बहुत अच्छी क्वालिटी का है ये। इसको आप चाहें ऐसे कर भी सकते हैं, इसको आप चाहें तो ऐसे रख भी सकते हैं, ये बेहतरीन काम है। इसमें हल्की क्वालिटी की भी आते हैं, लेकिन ये बहुत अच्छी क्वालिटी का है जो मैं खुद भी यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। ये मोबाइल आप ले लें, तो एक ये हो गया। अब हम माइक पे बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। इसके बाद जो आता है सिंगल माइक, देखिए आपने ये, हाँ देखिए, इसके बाद इसी में का आता है ड्यूल माइक, ड्यूल, ये 2 पर्सन के लिए, मतलब एक आपके लग गया जैसे अभी हमारा यूज़ हो रहा है ना, यूज़ हो रहा है, सही है, 2 पर्सन वाला है ये, उसमें का ड्यूल पर्सन वाला है, सही है। ये फिलहाल जो इसके रेट चल रहे हैं 2800 के चल रहे हैं, ये 2800 रुपये, ये उससे कुछ बेहतर है, ड्यूल है खाली में,
बस वो सिंगल है, ये ड्यूल है, लेकिन क्वालिटी लेवल वही है। ठीक है, ठीक हो गया। ये आ जाता है इससे ऊपर जो, मतलब जो ड्यूल वर्सन में। अच्छा, इससे ऊपर जो आता है वो फिर ये वाला आता है। भाई देखें, एक ये माइक आ गया। इस माइक की क्या खासियत है कि आपको बता देता हूँ, ये जिस तरह आपने दूसरे माइक लिए उनको सिंगल सिंगल चार्ज करना पड़ता है, इस माइक की खासियत ये है कि ये एक तो ड्यूल माइक है, एक मैंने लगा लिया, एक दूसरा माइक इन्होंने लगा लिया, ये टाइप सी या आईफोन वाला आपके जाके जैक में लग गया। अब आपको उसको सिंगल सिंगल चार्ज करने की ज़रूरत नहीं है, इसको आपने बंद किया, इसको या पावर बैंक के तौर पे आपने ऐसा चार्ज कर लिया। ये कितने का है भाई जान? ये फिलहाल 5000 पीस का है। 5000 का हो गया, 5000 का हो गया। रेट अभी बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, अभी मज़ीद बढ़ेंगे भाई। 5000 का हो गया, तो जो थोड़ा बहुत गुंजाइश हो सकेगी वो मैं इनको रिक्वेस्ट कर दूँगा कि वो कर दें, लेकिन ये अच्छा है बिगिनर्स के लिए। अगर आपका 5000 के करीब का अगर आपका बजट है तो ये मैं रेकमेंड करता हूँ कि ये अच्छा है, मैंने खुद भी यूज़ किया है, अच्छा है। लेकिन आप अगर इसको, इसका कंपैरिजन अगर करेंगे बोया से या सेनको से या रोड से, रोड जो है ना भाई सबसे ऊपर है, यहाँ है, मैंने रोड यूज़ किया है खुद, बहुत ऊपर का माइक है। और तो क्योंकि मेरा अभी वो सिंगल एक माइक गिर गया था तो मैंने अभी सेल कर दिया, तो लेकिन रोड बहुत अच्छा माइक है। और ये एक DJI का, तो इसके ऊपर आए अब ये उसी में का है, लाइटनिंग केबल, मतलब आईफोन के लिए है ये। अच्छा, वही है आईफोन के लिए भी है। और हाँ, ये लेकिन अलग अलग आता है, एक जैसा हाथ नहीं आते, मतलब आईफोन का आप इस पर इस्तेमाल नहीं कर सकते। जैसे कि इसमें तो ये है जैक साथ आते हैं कि आप आईफोन में लगा लीजिए या फिर टाइप सी में लगा लीजिए, सही है। इस पर उन्होंने जैक साथ नहीं दिए हुए। अच्छा, तो लाइटनिंग केबल है या उसमें किसी एक में चलेगा? जी, किसी एक में चलेगा। ये भी उतने का ही, ये भी उतने का ही। ठीक हो गया, अब आगे बढ़ो। ऊपर जो आता है वो फिर ये वाले माइक आता है, बोया का सिंगल है जी, सिंगल बोया बहुत अच्छा माइक है। ठीक है, अच्छा बोया का केबल माइक भी तो आता है जी, केबल माइक भी, वो भी दिखाइए, वो भी दिखा देना माइक का। मैं कहा केबल माइक भी, लेकिन केबल में प्रॉब्लम क्या होती है कि आपको उसको समेटना, एक दफ़ा जब वो आओ खुल जाए ना। हाँ, ये एक आ गई ना, ये भी, ये आ गई बोया का, ये M4 Pro है, ये सिंगल माइक है, ये सिंगल माइक है। ये भी वही है, वायरलेस है, ये वायरलेस है, लेकिन ये एक लगेगा कैमरे पे और एक लगेगा आप पे। ये इसमें सेल लगती है, ये चार्जेबल नहीं है, ये चार्जेबल नहीं है। चार्जेबल ये कितने मॉडल का है? ये फिलहाल जो है 14,500 रुपीज़ का है, 14,000 कुछ का। अच्छा, इसके बाद जो इससे पहले जो है वो पे ये वाला आता है, ये लेंस गो कंपनी का है, लेंस गो कंपनी का है। ठीक है, ये 10,000 रुपीज़ का है, रिचार्जेबल है। अच्छा, ये भी चार्ज किया आपने, लगाई, कैसा है ये? ये लो बजट में अच्छा है, मुनासिब है, 10,000 में इससे अच्छा नहीं मिलेगा, सेनको से नीचे। देखिए, नंबर वन पे तो रॉड आता है, रॉड आ गया। सेकंड में आपका आ गया सिंको, नहीं तो ये कहाँ गया? DJI कहाँ गया? DJI ये अभी लॉन्च हुआ है, लेकिन DJI मैंने सुना है कि रोड की टक्कर का है या उसके बराबर बराबर है। DJI की जो ब्रांड है ना वो बेसिकली आपका ड्रोन के ऊपर है, फर्स्ट टाइम उन्होंने माइक लॉन्च किया, सही है, बहुत अच्छा है, लेकिन रॉड है। अच्छा, मैं इसको आपको एक चीज़ फ़र्क बता रहा हूँ दोनों के अंदर, जो मेन फ़र्क है मैं आपको बताया था, ये जो रोड माइक है ना, इनके ना प्रॉब्लम क्या है, जो प्रॉब्लम मुझे लगी, क्योंकि हम लोग कंटेंट क्रिएटर है, हम लोग को इशू क्या होता है, ये सिंगल चार्ज करना पड़ता है। पहले आपने ये चार्ज किया, फिर आपने ये चार्ज किया, फिर आपने ये चार्ज किया, उसके अंदर बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। लेकिन इसका भी अब सोल्यूशन आ गया। क्या? जो आपने बोले ना, एक तो मार्केट, आफ्टर मार्केट केबल एक आ रही है 3 वाली। अच्छा, उसमें अलग 3 लगा के आप इस पर करके चार्ज कर सकते हैं। सेकंड, टेलीसिन कंपनी ने अभी एक अडॉप्टर निकाला है, पावर बैंक निकाला है, जो सिर्फ इसी के लिए है। अच्छा, उसमें आप रखें, जैसे आप ये DJI का चार्ज करते हैं, जैसे आप ये बोया का चार्ज करते हैं, वो आपके पास है, वो भी मैंने मंगवाया है, एक हफ्ते दो हफ्ते में आ जाएगा वो। लेकिन कितने का होगा? खाली अडॉप्टर ही, कम से कम पावर बैंक, सॉरी, 10,000 से 12,000 रुपये का आएगा। 12,000 रुपये का मोबाइल ले लेंगे, मैं तो कह रहा हूँ। देखिए, अच्छा है भाई, क्वालिटी के हिसाब में देखें, इसकी टक्कर का माइक जो है ना वो बहुत मुश्किल से मिलेगा आपको। बाकी ये जो माइक है मैंने भी यूज़ नहीं किया, लेकिन मैं तारीफ बहुत सुनी है। लेकिन इसका जो है पावर बैंक भी है, लेकिन ये महंगा है। मेरे ख्याल से कितने का? ये 88,000 का है। 88,000 का है। ये कितने का है? ये 65,500 का है। ये 65,500 का है। तो ये बहुत ऊपर के माइक है भाई, अगर आप यहाँ मतलब जाना चाहें। मैंने बताया, ये बहुत अच्छे यूज़ किया है, ये पावर बैंक के साथ है, ऑब्वियसली ये बहुत अच्छा माइक होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। लेकिन इनको हम सभी साइड पर रख देते हैं, अब आप आ जाएं उसके ऊपर। ये हो गया लेंस गो का, ये हो गया 10,000 का, सिंगल में अच्छा है, ये बिगिनर्स के लिए अच्छा, बहुत अच्छा है। ठीक हो गया, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जो है, फिर मैं आपको बता चुका हूँ, बोया का आता है, ये पुराना मॉडल है, नया मॉडल नहीं है। सही हो गया, ये बेकार है, मतलब आपके हिसाब से बेकार है। सही है, सेल लगाने पड़ेंगे, ये सबसे बड़ा इशू है। लेकिन बहुत सारे कस्टमर हैं, नहीं भाई हमें यही चाहिए, हाँ भाई यही चाहिए, मज़ेदार नहीं है। सही उसके बाद जो आता है ये हटा दीजिए आप, अब ये आ गया इसका नया मॉडल, करीब से भी दिखा दो, ये बहुत ज़्यादा बिका है। अच्छा, ये बहुत ज़्यादा क्यों बिका है कि इसमें आपका जो है तीनों पिन दी हुई है, टाइप सी भी है, आईफोन ले लें, मोबाइल के लिए लें, कैमरे के लिए ले लें, पुराना मॉडल आता है, इसमें एक टाइप सी वाला वो अलग वेरियंट है। सही है। अच्छा, जो आईफोन वाला होगा उस पर टाइप सी के भी पॉइंट साथ नहीं आएगा, जो टाइप सी वाला होगा उसमें आईफोन का नहीं है। इसमें मगर सब चलेंगे, ये सब चलेगा। ये कितने का है? ये 17,000 का है, 17,000 का है, तो ये एक अच्छा ऑप्शन है। और एक सिंको का है। अच्छा, ये सिंको का मैंने माइक यूज़ किया है, ये बहुत अच्छा माइक है,
आवाज़ इसकी बहुत अच्छी है। मैंने पर्सनली यूज़ किया है, लेकिन मैंने अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि मैंने एक हॉली लैंड का माइक मंगा लिया है, जो ये लगा हुआ देख रहे हैं ना आप, ये रहा, एक ये लगा हुआ है, एक वो लगा हुआ है, रिसीवर यहाँ पे लगा हुआ है। तो इसकी मुझे फ़ायदा क्या था, ये भी मैंने इसी वजह से लिया, इधर खोलिए दिखाइएगा इधर, हाँ ये देखें, इसका सबसे बड़ा फ़ायदा मुझे क्या था कि ये इटसेल्फ ये पावर बैंक है, सही है ना, ये आपने निकाला, ठीक है, ये माइक है आप निकालें ज़रा, मेरे हाथ से कुछ हो ही ना जाए, नहीं वो सब हो चुके, कुछ नहीं। अच्छा हाँ, ये आपके लॉक होते ही डायरेक्ट कैसे लग जाएंगे आपके, ऐसे लग जाएंगे, ये भी आपका ऐसे लग जाएगा, ठीक है, और ये कि आपका मोबाइल पर लग जाएगा, ये आईफोन के लिए लिया था आप। अच्छा हाँ, आईफोन क्या भी है इसमें, और टाइप सी भी, टाइप सी वाला अलग होगा, आईफोन वाला अलग। ये कितने का है ये टाइप सी, जो आईफोन वाला है इसके रेट ऊपर हो चुके हैं अभी, ये 20 पहले 4500 का था, अभी जो इसके रेट 26500 का, माशाल्लाह ये वापस लगा दें, ये लगा दिए मैंने वापस चार्जिंग पे लगा दें। तो ये मैंने लिया था, लेकिन इसकी आवाज़ नो डाउट बहुत अच्छी है, और ये चार्ज भी कर लेता है, ठीक है, लेकिन रोड की टक्कर का नहीं है, पहले बता दूँ आपको, रोड नंबर वन है इस टाइम पे। और उस अच्छा रोड की क्या ऐसी खासियत, एक चीज़ फ़र्क बताता हूँ, फ़र्क क्या है, जो रोड है माइक ये कैमरे में भी लग जाएगा, सही है, और ये मोबाइल पे भी लग जाएगा, ये कैमरे पे यूज़ नहीं होगा, जिससे मोबाइल पे सिर्फ मोबाइल के लिए, जो मोबाइल ब्लॉगर्स हैं उनके लिए। इसी तरह से ये जो मैंने अभी हॉली लैंड का यूज़ किया है, ये भी कैमरे पे और मोबाइल पे दोनों पे लग जाएगा। तो ये दोनों चीज़ें, एक ये आप देख लें आपने किससे ब्लॉगिंग करनी है, बाकी अब हम आगे बढ़ें, और क्या है इससे आगे, फिर ये वाला आता है, ये बोया का है, डबल सिंगल में, इस पर डबल भी मिल जाएगा, सही है, ये इसका इस वक्त आफ्टर मार्केट जो है ये बहुत अच्छी चल रही है, मतलब इसमें आकर परफॉर्मेंस वाइज बहुत, ये सिंगल है, ये सिंगल में, इसे डबल भी दिखा दे, डबल भी दिखाइए, ये कितने का है बताएं ज़रा, ये देख सकते हैं भाई बेहतरीन है, 18 महीने की वारंटी लिखी, लेकिन बोया के माइक्स अच्छे हैं, ये देख लें आप, सही है, ये सिंगल वाला है 20,000 रुपीज़ का है, इसी में का ये डबल वाला है, सही है, ये 27,500 का हो गया। इसमें एक मॉडल और भी आता है जिसमें LCD आगे नहीं है, शेप यही है, डब्बा भी है, ये वो बगैर LCD वाला, वो कितने का, वो कहलाता है S2 मिनी, सही है, 25,500 का है, ये 27,500 का, सही है, ठीक है। अच्छा एक सिंको में ये भी आता है, ये सिर्फ मोबाइल के लिए है, इस पर टाइप सी भी आता है और लाइटनिंग केबल आईफोन के लिए भी आता है। ये कितने का, ये इस वक्त जो हो गया 14,000 रुपये का, पहले कितने का था, पहले ये था 13,000 रुपये का, और ये सही है। इसके बाद जो मियाँ पे आता है, फिर ये डबल में आपका आ जाता है, फिर इसके बाद जो होता है वो इस पर सिंको के दूसरे मॉडल आते हैं, वो भी आ जाते हैं, और फिर रॉड के आती है, ये रॉड सिंगल कितने का है, रॉड में सिंगल के जो रेट है 46,000 के, ऑफिशियल वाले के रेट हैं, सही, और जितने बता रहा हूँ ये ऑफिशियल वाले हैं, नॉन ऑफिशियल नहीं है, सही है, ठीक है। और ये 65,500 कम सेल करना, वैसे 70 के रेट है, 65,500 के रेट, और ये DJI का माइक है, ये 88, ये कैमरे पे चलता है, कैमरे पे भी चलता है, मोबाइल पे भी चलता है, सब पे चलता है, दोनों में चलता है, दोनों पे चलता है, ये लाइट जो आपने हॉली लैंड का यूज़ करा है ना, ये उस टेक्नोलॉजी का है, सही, और अभी रॉड का भी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता वो नई टेक्नोलॉजी का निकाल रहे हैं, कॉम्पैक्ट कर देंगे, कॉम्पैक्ट तो नहीं करेंगे, इसका पावर बैंक को निकाल देंगे, क्योंकि टेलीसन ने बनाया ना, तो वो दूसरा ही बनाएंगे। एक वो बिल्कुल बेसिक माइक है, वो भी दिखा दें लोगों को, जो सिर्फ केबल है, हाँ अच्छा M1 माइक वो दिखाएं ना, बोया M1 तो दिखाएं, वो आप दिखाई नहीं रहे, जो हर बंदे की पहली पसंद होती है। ये देखें लोग मुझसे अक्सर पूछते हैं कि मैं आपको दिखाया, हाँ कोई खुला हुआ है तो दिखा दीजिए, वो भी खाता हूँ मैं आपको, बता रहे हैं कॉपी और ओरिजिनल में, हाँ कॉपी और ओरिजिनल फ़र्क क्या है ये भी दिखाएंगे आपको। जो बेसिक जो बोलते हैं ना, ये लोग व्लॉगिंग स्टार्ट करते हैं, उनसे पूछते हैं कौन सा माइक यूज़ करें, एक ये वाला माइक ले लें बेसिक, इसके अंदर भी कॉपी और ओरिजिनल आता है, और कैमरा लगाएं और शुरू कर दें, फ़र्क है ना। अच्छा जी, ये बताने लगे हैं भाई इस टाइम पे खुर्रम भाई के बोया के कॉपी माइक में और बोया के ओरिजिनल माइक में क्या फ़र्क है, कलर का फ़र्क आ गया, और दूसरा देखिए इसमें आपका ये थोड़ा शाइनी है और ये थोड़ा सा ये बारकोड दिया हुआ है, बारकोड ऐसे बारकोड नहीं होगा, बारकोड नहीं है, बारकोड से डायरेक्ट एक्सचेंज हो जाएगा, मतलब अच्छा इसको स्कैन करेंगे तो हो जाएगा। लोग क्या कहते हैं, कॉपी को ओरिजिनल डब्बे में, डब्बे को ओरिजिनल डब्बे में लोग डब्बे चेक करते हैं इसको वेरीफाई करने के लिए, लेकिन ये मेजर चीज़ जो है ना ये आपको इससे कवर हो गया। अच्छा सर, ये दोबारा मैं आप लोगों को एक बार बता देता हूँ, ये है कितने का पैसे बताएं, ये 1200 का है, ये 2000 रुपए का, ये 1200 रुपए का है, आवाज़ में फ़र्क है, बहुत बड़ा फ़र्क है, ये पहले 600-700 का था जो 1200 का हो गया, ये पहले 1400-1500 का था जो 2000 रुपए का हो गया। अच्छा देखिए इसकी फिनिशिंग में फ़र्क है, ये देखिए इसके अंदर ग्रीन से अंदर से कुछ अजीब सा नज़र आ रहा है, फिनिशिंग इधर भी ग्रीन इधर भी है, लेकिन ये फिनिशिंग में फ़र्क है, इसका ये बटन ऐसे उभरा सा हुआ है, इसका बटन ऐसे लाइन में एकदम साथ है, ये शाइनी है, ये थोड़ा सा डल है, बाकी इसमें बारकोड है, बाकी बॉक्सेस जो हैं उसमें ही फ़र्क है, इसका बारकोड भी अलग गया है। हाँ देखिए बात सारी है, इसको डाल दिया ओरिजिनल में, इसको डाल दिया कॉपी में, सही, लेकिन ये बाहर आएगा तो ये फ़र्क कोई नहीं आएगा, और दूसरी बात कैटलॉग का भी फ़र्क आएगा, कैटलॉग का ही फ़र्क आएगा, कैटलॉग ये 2000 रुपये का है, ये देखें अगर आपने बेसिक स्टार्ट करना है तो ये मिले आसमान का, इस पर देखिए बारकोड बना हुआ होगा, कैटलॉग में इस पर नहीं बना हुआ होगा। अच्छा ये देख लीजिए भाई ओरिजिनल, और आज असलियत से पर्दा हट गया, ओरिजिनल में ये भी आपका स्टिकर साथ थी, स्टिकर भी आ गया, जो ज़्यादा बोलता है उसको चिपका दें।
तो ये है कि बाकी बेहतरीन है भाई, इसकी फिनिशिंग में देख रहा हूँ और इसकी फिनिशिंग में फ़र्क है। ठीक है भाई, ये 2000 रुपये का कोई कमी पेशी करेंगे हमारे देखने वाले? तो 2200 रुपये का इसका सेल हो रहा है, ये आपको बताया 2000। अच्छा, इसके ऊपर वो डेड कैश वगैरह है जी, तो ये बेसिक यूज़ करने वालों के लिए आइडियल है। तो एंड है भैया, बहुत अच्छा माइक है, बता दूँ आपको, मैंने बड़ा टाइम यूज़ किया, सिर्फ मुझे इशू क्या आ रहा था कि वायर जो संभालनी होती है ना, क्योंकि हमें तो बाहर का काम है। अगर आपका इंडोर काम है तो कोई खर्चा नहीं करिएगा किसी माइक के ऊपर, ये लगाएं और शुरू हो जाए। तो खुर्रम भाई, अपना ज़रा एड्रेस समझा दें जल्दी से। मेरा शॉप का कार्ड की तस्वीर, कार्ड निकाल लें, मैं तो कह रहा हूँ वलीमे का कार्ड भी निकाल लें। नहीं भाई, मेरे 3 बच्चे हो गए। कोई बात नहीं, दोबारा ये है जी कैमरा कॉर्नर, और ये कहाँ पर है सदर में? किस जगह सदर में? मेन्स कैमरा मार्केट है, बड़ी मशहूर मेन सदर में कैमरा मार्केट है, बड़ी मशहूर हाशमी एंड हकीम सेंटर है। हाशमी एंड हकीम सेंटर 29A शॉप नंबर है, कैमरा कॉर्नर के नाम से, मेन रोड से सेकंड शॉप है। मेन रोड से सेकंड शॉप, सेकंड शॉप है। टाइमिंग क्या है? सुबह 12 से लेकर रात को 9 बजे तक। 12। नंबर बता दें आप जी, नंबर लिखिए आप 03232054464। ये व्हाट्सएप का और नॉर्मल नंबर दोनों है। नहीं लिखा तो कोई बात नहीं, स्क्रीन से याद कर लीजिएगा, वो लिखने का उन्होंने ऐसे ही बोल दिया। हाँ, वो आदत सीएम को है ना कि लिख ले लिख ले। बाकी भाई ये है कि आप इसको लंबा नहीं करते वीडियो को ज़्यादा, इसको हमारे फेसबुक से और यूट्यूब से मैक्सिमम शेयर कीजिएगा। इनके पास ना सिर्फ माइक्स हैं, इनके पास कैमराज हैं बहुत अच्छे, इनके पास ड्रोन है, इनके पास लेंसेज हैं, सारी एसेसरीज जो है ना यहाँ कास्टिंग के लिए, कास्टिंग के लिए सारे लाइट्स, ये वो सब है। उसकी मैं दोबारा कोई वीडियो बनाऊंगा, ये सिर्फ माइक के ऊपर थी ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो जाएं कि यार माइक और बंदे ही बहुत नाइस हैं और अच्छे बंदे हैं, कोऑपरेटिव हैं। यहाँ पे आइएगा, मार्केट से अच्छे प्राइसेज में आपको दे देते हैं। और दूसरा, अगर कोई मसाइल जैसे मेरे माइक में हो गया था, मेरा माइक थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था, उन्होंने मुझे एक लव नहीं कहा फौरन आके मेरा, उसी वजह से हम यहाँ पर आए और हम ये वीडियो बना रहे हैं, कोई पेड वीडियो नहीं है। और इसको मैक्सिमम शेयर कीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा जी। अस्सलाम वालेकुम।